This call is now being recorded. आज की इस मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत है और ये जो फर्स्ट मीटिंग है ऑनलाइन सब्जेक्ट की, ऑनलाइन मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इसके बारे में जैसा कि आप लोगों के साथ हमने एजेंडा शेयर ही किया था, तो उसके अनुसार आप लोगों के साथ कुछ एक बातें करके और जो हम इसको डिस्कस करेंगे कुछ एक इश्यूज के ऊपर, और फिर उसके हिसाब से हम इसको आगे के बारे में देखेंगे कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कैसे होगा और क्या होगा। तो दो तीन बातें मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया है और इसमें पर्टिकुलरली दो तीन चीज़ें बड़ी महत्व की हैं। वो है कि एक तो ये हम इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जो कि बेसिकली संस्कृत पर आधारित है, उसकी दृष्टि से हम ये सारे का सारा जो है प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन संस्कृत ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने संस्कृत की बुक्स को ही रेफर करना है या शास्त्रों को ही रेफर करना है। संस्कृत के ट्रेडिशन में ओरल ट्रेडिशन बहुत सारी हैं, फोक ट्रेडिशन बहुत सारी हैं, तो उनको भी हम इसमें इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। दूसरा शब्द इसमें जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है GNH और वेलबींग, हैप्पीनेस और वेलबींग। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग कर देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। और हमें ये कोशिश करनी है कि वेलबींग की ओर हम जा सकें, क्योंकि वेलबींग होगा तो ऑब्वियसली हैप्पीनेस होगी, उसका उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हैप्पीनेस के साथ वेलबींग भी हो, ये कई बार सोचने की और कई बार प्रश्न चिन्ह इसके ऊपर लगता है। तो थोड़ा सा वो अंतर है, उसको हम लेटर पीरियड में डिस्कशन में उसको भी हम टेकअप करेंगे। तो इनिशियली जो जैसा कि एजेंडा था उसी को हम स्टिक करेंगे और लगभग एक घंटा मैक्सिमम जो है हम उसमें अपनी ये सारी बातें पूरी करेंगे। हमें इस प्रोजेक्ट की जो स्पॉन्सरशिप है वो डिफरेंट डिफरेंट संस्थाओं से, प्राइवेट संस्थाओं से मिली है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो बाद में हिसाब किताब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास जो है कॉलेज की ओर से ही एक तरह से सीड मनी जो है वो अवेलेबल है, लगभग 2.5 लाख के जितनी हमें आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, उसको हम उस हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसको हम पब्लिकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। यूज सीड मनी को हम जो है पब्लिकेशन के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। अब जो इस सारे में जो इशू है, मैं जैसा कि आप जो स्क्रीन पे हैं उनको मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो प्रेजेंट डे इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल साइंसेस का जो सिस्टम है, जो जो कि GDP और बाकी और आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, उसका एक अल्टरनेटिव सिस्टम तैयार करने के लिए ये सारे का सारा रिसर्च प्रोजेक्ट हमने टेकअप किया है। अब इसमें सफल कितने होते हैं वो हम सबकी जो एक इकट्ठी जो हमारी मेहनत है, हमारा दृष्टि है, हमारी दृष्टि होगी, उस पर निर्भर करेगा। तो आज का हमारा एजेंडा यही था कि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी 2-1 मिनट में, उसके बाद जो इस प्रोजेक्ट का आइडिया है और इसकी वर्किंग हम कैसे करेंगे, और उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन की अगर हम बात कर पाएंगे तो उसको देखेंगे, और जो क्वेश्चंस आंसर होंगे, टिप्पणियां होंगी, कमेंट्स होंगे, उसको हम लेने के बाद इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि एजेंडा में है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, हमारी ओर से कोई बंधन नहीं है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। केवल एक इतनी सी बात है कि इंडियन पर्सपेक्टिव ज़रूर हो, कि अभी तक जो सोशल साइंसेस डेवलप की गई हैं वो सारी के सारी जो वेस्टर्न रेफरेंस पॉइंट है उसी से चलती, उसी के बेसिस पर वो सारा काम करती हैं। तो इसमें मैं आपको अभी आगे चल करके दिखाने की कोशिश करूंगा
कि जब मैं कहता हूं कि इंडियन रेफरेंस पॉइंट में हम इसको डेवलप करेंगे तो उससे अभिप्राय क्या है, कि उससे हम क्या चाहते हैं कि इंडियन रेफरेंस पॉइंट क्या है और वेस्टर्न रेफरेंस पॉइंट क्या है, उस सारे के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और इसमें कई कॉलेजेस का हमें समर्थन तो है ही है, उन लोगों ने हमारे साथ टाई अप किया हुआ है, लेकिन ये निर्भर करता है कि कितने लोग कितने कॉलेजेस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब हम रिपोर्ट पब्लिश करेंगे या रिपोर्ट प्रिंट करेंगे तो उसमें ये सारे कॉलेजेस उसमें इंक्लूड रहेंगे, उनके प्रिंसिपल्स के नाम इंक्लूडेड रहेंगे। और इसके साथ सबसे नीचे आप नीचे देख पा रहे हैं कि हमारे पैट्रन्स और एडवाइजरी कमेटी के मेंबर्स हैं, जिनमें से हमने जो पैट्रन्स में जो हैं जो बहुत सीनियर लोग हैं और जिनका अनुभव बहुत गहरा है और बड़ी व्यापक उनकी दृष्टि है, जिनसे हमें बार बार जो है वो पूछना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा और करेक्टिव जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें उनसे लेने पड़ेंगे, जिनमें से प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस, डॉक्टर राज सिंह वैष्णव, प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी, वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उसके अतिरिक्त मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी और उसके साथ साथ जो हैं डॉक्टर देशबंधु मानव कौशिक जी और राघव संजीव धारू जी और नीरज अत्री और विजय अग्रवाल, ये सभी लोग हैं जो हमें समय समय पर निर्देशन देते रहेंगे और इनका अपने अपने विषय में जो है वो विशेष प्रवेश भी है, अधिकार भी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास वर्क टीम है जो कि दो तीन भागों में विभाजित रहेगी और वो अभी हम फाइनलाइज करेंगे बाद में, उनमें से कुछ नाम ही मैं यहाँ पे लिख पाया हूँ, लेकिन उसमें जो है तीन भाग रहेंगे। एक तो वो जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का मतलब ये है कि किसी एक विषय के ऊपर जो दो या तीन लोग काम कर रहे हैं तो उनके साथ मिलकर के वो सारे के सारे मटेरियल को और क्वेश्चनेयर्स को और डाटा को वो जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो स्ट्रीमलाइन रहे। इसमें दूसरा जो रहेगा प्रोजेक्ट एडवाइजर, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले काम कर रखा है प्रोजेक्ट्स के ऊपर और वो कोई ना कोई समय पर हमारी हर तरह से सहायता करेंगे और उसमें दिशा निर्देश भी वो सामान्य रूप से देंगे और हर वक्त अवेलेबल होंगे कि जब भी आप कोई पूछना चाहेंगे अलग अलग विषयों पर राय तो वो उस पर हमें वो प्रदान करेंगे। तीसरे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं वो है प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स, और ये सारे नाम जो हैं वो फ्रंट पेज पे ही आएंगे जब हम पब्लिश करेंगे, जिनमें से डॉक्टर पीयूष अग्रवाल, नवल किशोर जी और रामदेव जी, डॉक्टर रेणुका, आदित्य और सारे लोग आप देख पा रहे हैं। और हमारे साथ इसमें जो है साईनाथ शानभाग जी जो कंप्यूटर साइंसेस से हैं और उनकी अपनी कंपनी भी है, तो ही हैज ऑल्सो जॉइंट, तो वो भी हमारे साथ इस विषय में हमारी हेल्प करेंगे, जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हमारी होंगी उस तरह से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारा हमारा कार्यक्रम रहेगा, ये चीज़ें ये लोग इस तरह से काम करेंगे। अब इन लोगों ने काम क्या करना है उसका आइडिया मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वो काम कैसे करना है वो मैं इस आइडिया के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और फिर इसको हम ओपन हाउस डिस्कशन में लेंगे। बड़ा सिंपल आइडिया है लेकिन इसे हमें लिखना पड़ेगा अपनी परंपरा के अनुसार, अपने शास्त्र के हिसाब से, अपनी लोक परंपरा के अनुसार भी। इस आइडिया का जो प्रोजेक्ट है द गोल ऑफ संस्कृत शास्त्र, आप ट्रेडिशन कह लें, संस्कृत नॉलेज ट्रेडिशन कह लें तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा जो लोग सीधे संस्कृत से नहीं है, इज द इंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट विद साइकोलॉजिकल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑल इन हार्मनी विद द अर्थ। ये मोटे तौर पर ये इसका आइडिया है जिसे आप लोग जान सकते हैं, लेकिन इसको हमें एस्टेब्लिश भी करना है, इसके ऊपर नोट्स भी लिखने हैं और इसको अपने अपने तरीके से हमें व्याख्यायित भी करना है। और ये सारा का सारा जो आइडिया है प्रोजेक्ट, वो नाइन ये डोमेन्स हैं जिनको आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, साइकोलॉजिकल वेलबींग, हेल्थ, यूज ऑफ टाइम, कम्युनिटी वाइटलिटी, एजुकेशन, कल्चर, एनवायरमेंट, गवर्नेंस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसमें नहीं जा रहा, और आप लोगों ने देख ही रखा होगा जब आपने फॉर्म भरे होंगे। इसको एवेल्युएट करने का संस्कृत शास्त्री जो तरीका है वो तो एक एक ये है जो मैं आप लोगों के साथ बड़ा ब्रीफली शेयर कर रहा हूँ, और ये इसकी आवश्यकता को भी साबित करता है कि इसमें सबसे पहली बात यह है कि सोशल साइंसेस में जो 1 to 10 के स्केल पे ज्यादातर जो है वो देखा जाता है, चीजों को इवेल्युएट किया जाता है, लेकिन संस्कृत में जो मुझे समझ में आता है वो 1 to 16 की स्केल के ऊपर जो है हमें चीजों को, तथ्यों को इवेल्युएट करना होगा। और वो इसका कारण ये है कि क्योंकि 16 कला संपूर्ण जो है वो हम मानते हैं कि चीजें अपने आप में पूर्ण होती हैं, चाहे वो कृष्ण की हो, चाहे वो षोडश कलेश पुरुष जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसे हमें प्रॉपरली डिफाइन करना होगा, और वो हम टाइम टू टाइम इन चीजों को आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये जो है, ये जो लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पे आप बीच में, अगर इसको सेंटर से लेंगे और इसको आप 1 to 16 के रेशो पे रखेंगे मन स्वास्थ्य को, तो आप इस समाज का मूल्यांकन करें कि हमारा समाज कितना स्वस्थ है। तो 1 to 16 के स्केल के ऊपर आप उसको 5 देते हैं, 6 देते हैं, 10 देते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, आपके अपने विवेक पर निर्भर करेगा। और फिर हम इसका मूल्यांकन करेंगे जब हम बाकी सबको अभी 1 to 16 के स्केल पर इसको इवेल्युएट कर लेंगे, और फिर उनको डॉट डॉट लगा करके उनको हम नाप लेंगे, अनुमान कर लेंगे कि हमारा समाज कितना स्वस्थ है। मान लीजिए वो कुछ भी हो सकता है, ये उदाहरण के लिए मैं केवल आपको बता रहा हूँ। तो ये एक तरीका है जो हमें अपनी परंपरा से लेना है, और जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे और जब हम बाकी सारे काम करेंगे, अपने काम को अग्रसर करेंगे। अब इस सारे काम को हमने दो भाग, दो इसके पंख हैं, दो चीजों के बीच में हमें इसको समेटना है कि वे बहुत फैल भी ना जाए। पहला जो तरीका है वो तो आपको पुरुषार्थ के कॉन्टेक्स्ट में करना है। जो भी आप मटेरियल कलेक्ट करेंगे, मटेरियल बनाएंगे, क्वेश्चनर्स बनाएंगे, वो एक तो पुरुषार्थ के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा जो मॉडर्न सोशल साइंसेज हैं जिसमें हम प्राइमोर्डियल हंगर, प्राइमोर्डियल फियर और सेंस ऑफ इंक्वायरी और एस्थेटिक वैल्यूज, ये चार जो पैराडाइम्स हैं इनके आधार पर हम इन 9 जो डोमेन्स हैं इनके ऊपर हम काम करेंगे। ये केवल अभी मैं आप लोगों को बहुत ब्रीफली और जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि फिर हम डिस्कशन कर सकें, और ये मैं पावर पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। अब ये काम होगा कैसे, इसमें दो बातें हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे हमें अपनी परंपरा से, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें मटेरियल इन इन डोमेन्स के अंतर्गत लेना है। हालांकि हर डोमेन के अपने बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट है उसमें हम केवल इतना ही रखेंगे कि हम केवल उस मटेरियल को इकट्ठा करें और उसके आधार पर क्वेश्चनेयर्स को डिजाइन और डेवलप करें, और उसके हिसाब से हम डाटा इकट्ठा करें। एक बार हमें ये डोमेन की क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर हम इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये 33 और 33 भी फर्दर डिवाइडेड 72 में चले जाएंगे, तो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, हम केवल 9 डोमेन्स के ऊपर स्टिक करेंगे। उसके ऊपर मटेरियल इकट्ठा करेंगे, मटेरियल भी दो तरीके से आपने इकट्ठा करना है, आपने और हमने ऑब्वियसली। एक तो ये वो उसका आइडिया या कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी उसमें टर्म्स कौन कौन सी यूज करनी है हमने, और फिर उसके आधार पर जो मटेरियल अवेलेबल है हमने क्वेश्चनर्स डिजाइन करने हैं, और वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्वेश्चनर्स डिजाइन करने हैं तो वो कैसे करने हैं। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग पे जैसे कि शिव संकल्प सूप से लेकर के आप आगे कालिदास तक और आगे कहीं तक भी जा सकते हैं, कोई उसमें सीमा नहीं है, लेकिन वो आपकी अपनी क्षमता पे निर्भर करते हैं कि आप कितना करना चाहते हैं और कितना कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ का आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है मंत्रों के बीच में, कि 100 साल जीने की ये जो मॉडल है कि जीवन श्रद्धा शतम और प्रभुवाम श्रद्धा शतम आदि आदि, तो मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में क्या हमने करना है और कैसे करना है। यूज ऑफ टाइम ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देख ही सकते हैं कि हम संस्कारों के द्वारा खाने पीने, वस्त्र परिधान, आभूषण, क्रीड़ा, इसमें जो हमारी सोसाइटी रही है जिसे हम एक गोल्डन पीरियड कहते हैं सोसाइटी का,
वो उसका भी हमने मूल्यांकन करना है और चीजों को हमें ढूंढना है। कम्युनिटी वाइटलिटी में भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। अब ये एक बीच में मैंने आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जब मैं काम कर रहा था तो उसमें ये क्वेश्चनेयर्स डिजाइन हमने किए थे और इसके ऊपर हमने थोड़ा डाटा भी इकट्ठा किया था। एजुकेशन जो है उसमें जिस तरह से आप ये अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के जो वैदिक साहित्य है उसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए। मटेरियल वही है, केवल उसको हमने रीफ्रेम कर दिया क्वेश्चन की फॉर्म में। आप देखें कि जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जब हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे तो उसमें ये कुछ एक क्वेश्चंस को हमने डिजाइन किया और फिर इस पर डाटा इकट्ठा किया कि आज की शिक्षा का आधार परस्पर मैत्री है। अब इसका रेफरेंस आपको नीचे जरूर देना है। आप जो भी लिखें, जो भी काम करें, अपना उसमें ओपिनियन, अपना मत जरूर लिखें, लेकिन जो भी क्वेश्चनर्स बनाए कोशिश करें कि उसका कोई ना कोई रेफरेंस जरूर हो। तो जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं कि इसका हमने रेफरेंस दिया है ऋग्वेद से, उसके चौथे मंडल से हमने ये लिया है और ये 17वां सूक्त है और 9वां जो उसका मंत्र है। तो इस तरह से ये सारे के सारे हमने क्वेश्चनर्स डिजाइन किए हैं और फिर उसको हमने ज्यादातर 3 के स्केल पे ही वो क्वेश्चंस रखे हैं, लेकिन वो लेटर पीरियड की भी बातें। तो बेसिकली आपने और मैंने करना क्या है कि हमने आइडिया लिखना है। जिस भी डोमेन पे आप काम करना चाहते हैं, आप एक डोमेन पे या एक से ज्यादा डोमेन पे काम करना चाहते हैं उसमें भी कोई उसमें भी स्वागत है आपका, लेकिन आइडिया जरूर लिखें। आइडिया के बाद उसके जो मुख्य शब्दावली है उसको जरूर लिखें और फिर उसके बाद जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसको आप जो है क्वेश्चनर की फॉर्म में उसको तब्दील करें। इसी तरह कल्चर को और एनवायरनमेंट को और गवर्नेंस को आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारे के सारे जो हैं 9 डोमेन्स जिनके ऊपर संस्कृत परंपरा में, ज्ञान परंपरा में, भारतीय परंपरा में मटेरियल बहुत बहुत अवेलेबल है, लेकिन हमने कभी उसको इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। एक दो चीजें और दे करके 2-1 मिनट में आप लोगों के और लूंगा और उसके बाद विल हैव ओपन हाउस डिस्कशन। ये रामायण के आधार पर एक हमने डिजाइन किया था और ये इसलिए डिजाइन और डेवलप किया था कि भी मोदी गवर्नमेंट के बारे में जैसे आम लोग ओपिनियन बनाते हैं, तो हमारा ये मकसद था कि आप लोग मोदी गवर्नमेंट को एवेल्युएट करें इस आधार पर। और ये हमने रामायण से प्रश्नावली बनाई, बेसिकली हमने 4 बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर केवल उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ। महाभारत से हमने डिजाइन किया मोदी के सुशासन को वैल्यूएट करने के लिए कि वो कितने प्रतिशत ठीक है और सही है, वो अलग बात है। और दूसरा तीसरा जो हमने डिजाइन किया क्वेश्चनियर वो शुकनासोपदेश पर आधारित था। और इसी तरह से जो है हमने चौथा जो डिजाइन किया था वो किरातार्जुनीयम के आधार पर डिजाइन किया। तो वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसमें तरीका यही रहेगा कि हम लोगों ने ये जैसे कि आप पहले देख रहे हैं कि क्या आज धर्म पर तत्पर रहने पर विद्वानों की यथावत पूजा होती है, कि स्कॉलर्स को क्या रिकग्नाइज गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती। तो ये हमने वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है। इसी तरह से जो विद्वान हैं ऑफिसर्स, किनको वो डिप्यूट करते हैं, जो विद्वान है, जितेंद्रिय हैं, कुशल हैं आदि आदि, ये सारा आप देख सकते हैं। मुझे वो सब बताने की अभी जरूरत नहीं है। करप्शन के भी क्वेश्चन इसमें हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये क्वेश्चंस जो हैं हमने वाल्मीकि रामायण पर आधारित डिजाइन और डेवलप किए हैं और इनका हमने डाटा भी कलेक्ट किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस सारे 9 डोमेन्स में जो भी आप काम करेंगे, आइडिया लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे, शब्दावली उसकी जो हो सकती है, चाहे वो 4 शब्द मुख्य हैं उसको डिफाइन करने वाले या 10 हैं, और फिर उसके बाद जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके ऊपर आप क्वेश्चनियर्स करेंगे। और एक जो आखिरी चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये 2 श्लोक हैं, ठीक है, जो संस्कृत से नहीं है, आप हिंदी पढ़ सकते हैं, कि ये एक पूरी तरह से एक मॉडल है हमारे पास, एक गृहस्थ का, हैप्पी गृहस्थ जिसे आप कह सकते हैं, कल्याण परक जो गृहस्थ है उसका एक मॉडल है कि घर स्वर्ग बन जाता है, गर्व करने वाला झुक जाता है, स्त्री संग से मोक्ष प्राप्त होता है,
द्वेषी मित्र बन जाता है, पाप पुण्यकारक हो जाता है, राजा दास बन जाता है, मृत्यु वैद्य बन जाती है, दोष गुण बन जाते हैं जिस पर भगवती की कृपा होती है। ये ठीक है, ये एक आप स्तुति कह सकते हैं, और इसको सामान्य रूप से अगर हम करते तो शायद इसको हम रिजेक्ट कर देते कि भी ठीक है ये तो स्तुति है। लेकिन इसी श्लोक के आधार पर मैं किस तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि हमने एक क्वेश्चनर डिजाइन किया कि आप अगर चाहते हैं कि संस्कृत शास्त्र बेस योर हैप्पीनेस टेस्ट, कि आप में प्रसन्नता का स्तर कितना है, उसके 7 स्केल हैं, उसके 7 उत्तर हैं और उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के इसमें केवल 5 प्रश्न हमने रखे हैं। 5 प्रश्न क्या है? इन मोस्ट वेज माई लाइफ इज आइडियल, क्योंकि ये पूरा मॉडल है, आइडियलिस्टिक मॉडल आप कह सकते हैं, कहना चाहें द कंडीशन ऑफ माई लाइफ आर एक्सीलेंट। आप इसके उत्तर दे सकते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री मतलब वो आपको पता ही है, आप लोग सोशल साइंसेस से हैं तो मुझे वो सब बताने की जरूरत नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ सो फॉर, आई हैव गॉटन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई वॉन्ट इन लाइफ, इफ आई कुड लिव माई लाइफ ओवर आई वुड चेंज ऑलमोस्ट नथिंग। अब इनके आप जब उत्तर देंगे और उन चाहे वो 1 नंबर दें, बिल्कुल डिसएग्री करें, स्ट्रांगली एग्री में 7 दे दीजिए, तो जब आप इनका टोटल करेंगे और उसका जो रिजल्ट है नीचे, अगर वो 31 to 35 के बीच में है तो यू आर सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी, यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ वेलबींग। सो इसी तरह से इसको डिजाइन और डेवलप करने का हमने प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इसी तरह से काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को एक पूरा आइडिया देने का प्रयास किया है कि ये हम लोग करने का विचार कर रहे हैं, और इसी लाइन पर हम पार्ट 1 ये जो अभी हम करेंगे लगभग 1.5 महीने के अंदर, जिसको मैं चाहता हूँ हम खत्म कर लें, वो है पार्ट 1। पार्ट 1 में केवल मात्र इतना ही करना है कि 9 डोमेन्स के आइडिया को लिखना है। आइडिया लिख करके हमने उसके आधार पर क्वेश्चनियर्स को डिजाइन और डेवलप करना है ताकि हम डाटा कलेक्ट कर सकें, और केवल उसको ध्यान हमने ये रखना है कि वो भारतीय परंपरा से संबंधित हो, वो इंडस्ट्रियल रेफरेंस पॉइंट को ना ले, वो मॉडर्न डे जो वो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से वो ना हो, बस इतना हमने ध्यान रखना है। और एक अंतिम बात कहकर के मैं आपको आप लोगों के विचार और सुझाव, जो भी आप लोगों के प्रश्न होंगे, उनको आमंत्रित करूंगा, और फिर इस चर्चा के ऊपर जो टिप्पणी करेंगे, विचार करेंगे और हमें मार्गनिर्देशन देंगे प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको फिर मैं आमंत्रित करूंगा, बीच में भी आप सब बात कर सकते हैं। इस सब के लिए हम लोग आप लोगों को लेटर इशू करेंगे, वो आप लोगों से बात करके आपके नाम पर एक प्रॉपर लेटर जो है वो हम इशू करेंगे, और उसकी कॉपी जो है वो आपके प्रिंसिपल को भी भेजेंगे, और अगर आपका इंस्टीट्यूशन हमारे साथ एफिलिएटेड है तो उसका भी हम उसमें अलग से रेफरेंस और लेटर जो है वो इशू करेंगे, और उसमें सारे स्पॉन्सर्स का नाम होगा, क्योंकि अभी 2-3 स्पॉन्सर और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो भी आपका स्टेटस इसमें होगा, जो भी आप चाहेंगे उस तरह से वो लेटर जो है वो हम आप लोगों को देंगे। सो ये एक ब्रीफ सा आइडिया था जिसके ऊपर हम बातचीत करने के लिए आप लोगों को आप सब सादर आमंत्रित हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपका है, कोई भी टिप्पणी है, सहमति है, कुछ और जानना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। तो आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि परिचय भी आप लोगों का एक दूसरे से हो जाए और पता भी लग जाएगा। तो डॉक्टर विशाल जी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हैं और संस्कृत विभाग से, और मैडम देनुका जी को आप लोग ऑन कर लीजिए इसको अब, और बिल्कुल हम अनौपचारिक तरीके से बात करेंगे। और साइना शान भाग जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विनय सिंगल जी कैथल से, खुशबू बिश्नोई स्वागत है, डॉक्टर रूपिका जो है जलंधर से हैं, और राजवीर शास्त्री जी और बाकी सभी लोग। तो कहीं से भी कोई भी अपनी बात
टिप्पणी अपनी रख सकते हैं कि क्या कुछ आइडिया क्लियर हुआ। पहले तो इसी बात को हम ले लेते हैं, अपने को अनम्यूट करके और आप अपनी राय दे सकते हैं। सर, ये कितना बड़ा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड हाउ मेनी पीपल विल बी आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन? इसको हम, मैंने अभी तक अगर हम प्रॉपरली काम कर पाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। जो फर्स्ट पार्ट जिसकी मैं अभी सिर्फ 9 डोमेन्स की कर रहा हूँ, उसको तो मैं चाहता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर करके हम उसको पब्लिश कर दें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है। आप कहीं से भी एट रैंडम मटेरियल इकट्ठा कर सकते हैं, ले सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और फिर उसको जो है हम जो भी टेक्निकल असिस्टेंस हमारे पास होगी उससे जो है हम डाटा को जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी हम उसको जो है वो बुकलेट की फॉर्म में या बुक की फॉर्म में जितना भी होगा उसको पब्लिश कर देंगे। और उसके बाद फिर जो है इसके फर्दर जितने भी पार्ट्स हैं 72 सब डोमेन्स जो रहेंगे उसके ऊपर फिर उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि तब तक हम लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा कि इसको हमने फर्दर परस्यू कैसे करना है, आगे कैसे चलाना है। लेकिन कुल मिलाकर के 6 महीने के अंदर अंदर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, दोनों पार्ट्स को। मैडम संतोष, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ही है डायरेक्टली। हेलो जी जी मैम, सर मुझे थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। राइट राइट बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि अगर आप मुझे कुछ रीडिंग मटेरियल या कुछ रेफरेंस मटेरियल शेयर कर देते जी जी तो उसे मैं पहले पढ़ पाती। जी ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने अभी बहुत कोट किया है कि आपने मोदी जी का गवर्नेंस का जो तरीका है उसके प्रश्न आपने महाभारत रामायण आदि तक इतने बड़े बड़े महाकाव्यों से लिए हैं। तो जी। हम जैसे जो नॉर्मल एक इंसान इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा और हमारी नॉलेज इतनी डीप और वास्ट नहीं है सर, उससे उस पर्सपेक्टिव से। आप चिंता ना करें, आपके साथ हम मटेरियल शेयर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल मटेरियल शेयर करेंगे और आप इसको करें। और ये भी हम ध्यान में रखें कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही काम करना होगा हमें। अगर आपको कोई हिंदी में दिक्कत आती है तो ट्रांसलेशन के लिए हम सहायता ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हिंदी में है, जैसे भी है वो कर लेंगे, वो व्यवस्था मैं कर लूंगा। जी मेरा बस ये कि आपसे अनुरोध था कि अगर आप कुछ रीडिंग मटेरियल शेयर कर देते तो हम उसको थोड़ा सा पहले हफ्ता 10 दिन उस पे अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते कि हम क्या करने क्या चाहते। उसके लिए हमारे पास एडवाइजर हैं डॉक्टर विशाल जी भी हैं और भी कई लोग हैं। अभी गिरीश्वर जी से भी हम बात करेंगे, डॉक्टर आनंद गुरिये जी हैं, वो भी हैं। मटेरियल अवेलेबल होगा, ये हम प्रश्न हमारे ध्यान में रहेगा कि जो मटेरियल भी अवेलेबल जिनको चाहिए वो करेंगे हम लोग। और बताएं सर। हाँ जी हाँ जी सर, वैसे तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एंड आई हैव बीन एबल टू पिक अप कि मैंने कौन सी थीम लेनी है। लेकिन मेरी भी इस तरह से जैसे संतोष मैम की थोड़ा सा है कि आई ऑल्सो बिलोंग टू द स्ट्रीम ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स इंग्लिश में है, तो हमें जो बेसिक नॉलेज है इंडियन जो आप कह रहे हैं इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, मतलब कि स्ट्रेट अवे अगर हम काफी टाइम लगाएंगे तो हमारा तो मोस्टली टाइम उसी में निकल जाएगा। तो जैसे नहीं, 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 नहीं। हाँ मैं समझ गया आपकी बात। आपको बड़ा स्पेसिफिकली काम करना है क्योंकि ये टाइम बाउंड काम करेंगे, नहीं तो वो बिखर जाएगा, सारे का सारा प्रोजेक्ट ही बिखर जाएगा और फिर मजा भी नहीं आएगा। तो वो डेफिनेटली हम लोग आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, आप उसको देखें। मैं रेफरेंसेस जो बुक्स हैं, जैसे बुद्धिज्म की कुछ एक बुक्स हैं, वहां से आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। और वैदिक जो लिटरेचर है उसके बारे में डॉक्टर विशाल जी भी आपको करेंगे, हमारे साथ चित्तरंजन कौशल जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हम सारे का सारा एक्सचेंज कर लेंगे। ये प्रश्न तो ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन है और
इसके लिए जो जिनको हम एडवाइजर के रूप में रखेंगे उनसे हम बात करेंगे। सर एक छोटी सी सजेशन थी, और अगर जो दूसरे डिसिप्लिन से हाँ है इनके लिए छोटी सी वर्कशॉप टाइप, जैसे अगर सिर्फ संस्कृत बेस्ड कॉलेज पे हो जाए, फ्रॉम मतलब कि थोड़ा सा व्यू जो है, जी, बिल्कुल कर लेंगे। क्योंकि अगर ये पिकअप छोटी छोटी, हो जाए। हाँ नहीं मैं कर लूँगा आप लोगों के साथ। ये क्वेश्चनर्स बनाना कैसे है, क्योंकि स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन में तब्दील करना जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, तो उसके लिए ठीक है। विशाल जी इस बात को ध्यान में रखेंगे और चित्तरंजन जी भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों ने ये भी काम करना है। थैंक और जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मान लो मुझे एनवायरनमेंट लेना है, एजुकेशन लेना है, तो इसका तो साहित्य वैदिक साहित्य से लेके हम सभी भरे पड़े हैं, तो कहाँ तक हम इसे इंक्लूड अभी करें? अभी तो आप एट रैंडम लें, क्योंकि जी अभी तो सर, यह है इस सब्जेक्ट के साथ हम इंट्रोड्यूस हो जाएं, जी और सर, एक इसीलिए मैंने कहा है कि एक डोमेन लें ताकि जी उसके सर, ऊपर आप काम कर लें। फिर उसके बाद जब हम इसके जो फर्दर हम सब डोमेन्स के ऊपर काम करने लगेंगे, फिर हम उसमें, और उसमें आपको भी टीम चाहिए होगी, जी उसमें सर, आपको अपने साथ कोई ना कोई जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे जी काफी सर, सारे उसके। हाँ हाँ जी नमस्कार। सर, चित्तरंजन जी, जी जी सर, डॉक्टर चित्तरंजन आप आवाज, आप शोर था। डॉक्टर आनंद जी, डॉक्टर आनंद साइकेट्री से संबंधित हैं, कर्नाटक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार थैंक यू वेरी डॉक्टर मच, अ जी। वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। आई एम इन, आई हैव नो क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट। थैंक यू जैसे सर आगे चलेंगे जो भी हो जी, सकेगा लेट अस डू इट, बिकॉज इट इज जी फॉर एवरीबडीज गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। सर जैसे आपने ये क्वेश्चन किए हैं, तो इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को लेके हम रिसर्च पेपर के रिसर्च पेपर लिखा जाता है पूरा संदर्भ के साथ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा पेपर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लिखिए। अभी हमारा काम तो ये है कि इन 9 डोमेन्स का कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर हो कि है क्या, नहीं तो हम संस्कृत वालों में ना कई तरह के दोष भी हैं। दोषों में ये होता है कि जी भाई वास्तविक जो ऑन ग्राउंड हमें जो चीज चाहिए वो ना देकर के हम एक तो कोटेशन देकर के बच के भाग जाते हैं और दूसरे के जी हाथ सर, में कुछ नहीं आता। तो हम उसको कॉन्सेप्ट को ठोस बनाए, कंक्रीटाइज करें, उसको डिफाइन करें, और डिफाइन करके फिर उसका जो मूल्यांकन का जो आगे है, इवेल्युएशन का जो के लिए जो हमें क्वेश्चंस बनाने हैं वो बनाए। मटेरियल तो है, ठीक है ना, जीवन श्रद्धा शतम कि मैं 100 साल जीऊं। अब ये बात कह देना तो आसान है, लेकिन कैसे 100 साल जीऊं, ये तो आपको बनाना पड़ेगा ना, बिल्कुल सर, है ना। थैंक यू। तो आप इन्वायरमेंट का है, तो जैसे वो शांति मंत्र है वहां से उठाएं, लेकिन हम कह करके चले जाएंगे, लेकिन आगे समाधान और प्रश्न कभी नहीं रख। तो ओके ये है जी सर, जी तो थोड़ा थोड़ा अभी तो इमीडिएटली नहीं समझ में आएगा, लेकिन इन चीजों को थोड़ा थोड़ा जब हम करने लगेंगे तो निकल आएगी बात, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी बताएंगे कि भाई हम जो ये काम करने जा रहे हैं ये कितना सफल हो पाएगा और इसकी दिशाएं क्या रहेंगी। तो और किसी का कोई प्रश्न है, मैडम रूपी का? सर मैं साइनअप बोल रहा हूँ। जी, सपोज दैट अगर हम कोई प्रश्न यहाँ पे अगर हम डाल रहे हैं, तो उसका रेफरेंस की जरूरत है क्या? मान लीजिए कोई एक देयर इज वन क्वेश्चन जहाँ पे मुझे रेफरेंस नहीं मिला है। जी। तो अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, कुछ तो पता होगा कि कहाँ से है, थोड़ा यही रेफरेंस एग्जैक्ट ना होकर के वेग सा तो हो ही सकता है कि रामायण से लिया है, या आप लोक परंपरा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो संस्कृत से प्रभावित तो हैं लेकिन वो लोक में प्रचलित हैं, संस्कृत में मिलेंगी नहीं।
सर मान लीजिए कि मुझे रामायण में भरद्वाज जी से पूछा कि अयोध्या भरद्वाज जी के आश्रम से अयोध्या तक जो रोड है उस पे पूरे फल फूल वाले वृक्ष बन जाए, जी जी, सो दिस इज अ रिक्वेस्ट ही गिव्स टू महर्षि, सो दैट बिकम्स अ रेफरेंस, कैन दैट बिकम अ रेफरेंस? हाँ बना लीजिए, हमें मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए ही है निश्चित रूप से। ओके हाँ मैडम रेणुका, आप थोड़े से वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे? हाँ जी सर, आई हैव ऑलरेडी टेकन सर। हाँ हाँ तीन चार ले लीजिए। हाँ जी, मेरा ख्याल है उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मतलब जितना ऑथेंटिक मटेरियल होगा विद रेफरेंस होगा तो मुझे लगता है वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम नरेटिव, एक काउंटर नरेटिव देने जा रहे हैं, एक अल्टरनेटिव सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सफल होता है नहीं होता है ये तो चिंता का विषय नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ जो कर्म करना है वो तो करना ही चाहिए। चित्तरंजन जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। चित्तरंजन जी, चित्तरंजन जी आप अपने को अनम्यूट कर लें, हम आपको देख पा रहे हैं। आप, मुझे लगता है आप साउंड का इशू शायद होगा, लेकिन चलिए और किसी की कोई बात हो तो फिर मैं आमंत्रित करूंगा। सर मैं कॉल करूं क्या? सर कॉल करूं क्या डॉक्टर सीडीएस को? हाँ जी, चित्तरंजन जी को कर लीजिए एक बार। ये वैसे सुन पा रहे होंगे मेरी आवाज, ऐसा तो नहीं है, जब जुड़े हुए उनका वीडियो क्लियर है, नहीं तो फिर मैं गिरीश्वर मिश्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो ऐसे है। हाँ। बड़ा ही सार्थक कार्य कर रहे हैं आप, और उसमें मेरा ये निवेदन है कि जो लोग जुड़े हुए हैं वो उसमें अपनी सहभागिता करें, और जो हमारे ग्रंथ है ना उनके अंदर जो संदर्भ हुए वो तो है ही है, किंतु उसका जिन्होंने आचरण किया है उनके अनुभव भी उसमें लगे। चाहे किसी रिसर्चर ने लिया है उस, चाहे वो योग की दृष्टि से हो या ध्यान की दृष्टि से हो, जो चक्रों को जागृत करके अनुभूति है ना, चाहे मंत्र जापे हो, जिन्होंने उसके ऊपर आचरण किया और उसकी अनुभूति की, सुखानुभूति आनंदानुभूति, वो सारी सारी इस डॉक्यूमेंटेशन में हो। केवल सांस्कृतिक और साहित्यिक और शास्त्रीय संदर्भों से बात नहीं, अनुभव भी उसमें है। मेरा ये निवेदन है ताकि वो हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रमाणिक बने, और भाई ये करो और ये इसका परिणाम साथ ही साथ। और जी ठीक है, योजना तो यही है कि हम इसको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लगभग महीने के बाद जो है इसको हम प्रिंट करा दें, पब्लिश करा दें, अगर मटेरियल हमारा सारा इकट्ठा हो जाता है। विशाल जी आपकी क्या राय है, और फिर डॉक्टर गिरीश्वर जी की हम बात सुने। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल जो भी योजना है वो क्लियर है सबको, जी सबके समझ में आ गई है, तो मेरा ख्याल इस प्रक्रिया चलते रहेंगे तो जो आपने एम रखा है उसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए इस सारे जो हमने अभी तक बातचीत की है इसके ऊपर जो है वो कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए, क्रिटिसिज्म करने के लिए, दिशा निर्देश के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी, जो कि फॉर्मर वाइस चांसलर हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से, और मूलतः जो है वो प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और उनकी हमेशा मेरे पे बहुत कृपा बनी रही है, मेरे एक निवेदन पे वो मेरा आग्रह स्वीकार कर लेते हैं, और हमेशा उन्होंने मुझे सहयोग और समर्थन दिया है, तो मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ, और उनके, क्योंकि उनका अनुभव बड़ा व्यापक और सूक्ष्म और गहरा है, तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर वो अपनी टिप्पणी भी दें, हमें दिशा निर्देश भी दें। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। प्रिय भाई आशुतोष जी,
और आज की इस बैठक में उपस्थित सभी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इस प्रकाश पर्व के अवसर पर हम आनंद प्रसन्नता के विषय के ऊपर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं, या और भी रोचक ही नहीं बल्कि उपादेय उपक्रम हो, ऐसा मेरा विश्वास है। जो सूचना व्हाट्सएप पर संक्षिप्त सूचना पहले प्रसारित हुई थी और जो मैंने देखा था, उससे इस पूरी परियोजना का संकेत हमें प्राप्त हुआ था। और भाई आशुतोष जी जिस तरह से लगे हुए हैं शास्त्र को नया जीवन देने में, वह हम सबके लिए बड़ा स्पृहणीय है और हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हैप्पीनेस इंडेक्स नामक एक जो विचार यूएनओ ने शुरू किया था 2011-12 में, और जिसकी शुरुआत तो 1970 के दशक में भूटान नरेश ने क्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स की बात शुरू की थी, और 2012 से लगातार भिन्न भिन्न देशों की हैप्पीनेस इंडेक्स का मापन किया जाता है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाती है। ये जो उपक्रम शुरू हुआ उसके पहले एक और चीज हो रही थी जिसका नाम था वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसमें विकास के ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स, वो संकेतक जो कि भौतिक हैं, उनको लिया गया था। हैप्पीनेस इंडेक्स में जो सब्जेक्टिव आत्मपरक व्यक्ति के अपने विचार के अनुसार जो निर्णय होता है उसको आधार माना गया। हैप्पीनेस इंडेक्स की जो पूरी अवधारणा है वह बड़ी स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि उसकी प्रतिवर्ष की जो रपट है उसमें दिया हुआ है कि किस आधार पर उसकी गणना होती है और कैसे किया जाता है। मैं हल्की सी चर्चा उस पर करना चाहूँगा, क्योंकि हम उससे अच्छा उसका विकल्प और भी कई उद्देश्य पूरे होंगे, ऐसा विचार हम लोगों के मन में है, और यह संकल्प सिद्ध हो ऐसी मेरी शुभकामना है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में 1 से 10 की स्केल पर एक मनोवैज्ञानिक थे हैलिडे कैंट्रल, तो उन्होंने एक सीढ़ी, वो कैंट्रल लैडर कही जाती है, कि नीचे सबसे खराब और सबसे ऊपर सर्वोत्तम, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ती है, इसलिए इसमें क्रमशः जो है वो स्थिति अच्छी हो रही है। तो बेस्ट कंडीशन लाइफ की क्या है और वर्स्ट कंडीशन लाइफ की क्या है, तो नीचे जो है वह 0 समझिए और सबसे ऊपर समझिए जो कि 10 नंबर है, और बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्रमशः ऊपर उठते हुए व्यक्ति के निर्णय हैं कि हमारे अनुसार हमारा जीवन कैसा है। और यह निर्णय लेने के लिए उन्होंने 10 क्षेत्र जो हैं वो चुने, और उन 10 क्षेत्रों में व्यक्ति से पूछा जाता है कि सब्जेक्टिवली, अर्थात वह अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से, कोई ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ मापक नहीं, बल्कि व्यक्ति का जो बोध है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अनुसार वह मूल्यांकन करता है, और इस मूल्यांकन के आधार पर वह एक अंक देता है, और वह अंक जो है 10
क्षेत्रों में प्राप्त होता है और हर क्षेत्र में भी कई तरह तरह की बातें हैं, कई तरह के विषय हैं, उनमें कई का उल्लेख भाई आशुतोष जी ने किया था, कुछ उसमें नहीं भी हैं, बाद में उसकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो 10 वो और प्रत्येक में कई विषय हैं, उनको मिला करके जो रेटिंग की जाती है उसका जो अंक बन जाता है वह हैप्पीनेस इंडेक्स का आधार होता है। जो लेटेस्ट आया हुआ है पिछले मार्च में, उसमें विश्व के 146 देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स का मापन होता है, ऐसा करके उसका परिणाम जो है आया है, भारत की स्थिति उसमें 136वीं है। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड, ये सारे जो हैं उसमें सर्वोच्च स्थान पर हैं। और उनके यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स 10 में 7.5, 7.8 इस प्रकार से ऊपर है, और उसके तुलना में भारत की जो स्थिति है वह इस साल शायद 3.48 या इस प्रकार की आई है। एक और गंभीर बात है कि पिछले 5 वर्षों में यह निरंतर घटती गई है हैप्पीनेस इंडेक्स, और 146वें नंबर पर जो सबसे कम है वह है अफगानिस्तान। वजह की बात यह है कि बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल की जो है 82वीं पोजीशन है उस पूरी श्रृंखला में, और श्रीलंका, ये सब जो है वह ऊपर है। संयोग से एक मनोविज्ञान का विशेष पक्ष है जिसे कहते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, यह पिछले 2 दशकों में बड़े जोर शोर से शुरू हुआ, और पॉजिटिव साइकोलॉजी में हैप्पीनेस जो है वह केंद्रीय विषय है, वेलबींग केंद्रीय विषय है, और उसकी एक इंटरनेशनल हैंडबुक के लिए साउथ एशियन कंट्रीज में क्या अध्ययन हुए हैं, क्या उनके परिणाम हैं, उस पर एक अध्याय लिखने के लिए मुझको आमंत्रित किया गया था, वो मैंने लिखा भी है। तो हमने थोड़ा गौर से भी देखा कि इन देशों की क्या स्थिति है और क्या परिणति है और कहाँ पहुँच रहे हैं। तो यह पृष्ठभूमि है जिसके अंतर्गत ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो तो विकास का एक भौतिक वास्तविक या कि ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर प्रदान करता है, और दूसरी ओर जो सब्जेक्टिव इंडिकेटर हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स के माध्यम से प्राप्त होते हैं। एक और शब्द जो है यहाँ पर चर्चा में आजकल बहुत है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पूरे विश्व के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से लक्ष्य हैं इनको परिभाषित किया गया है और उसका भी निश्चय किया गया, और उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है हैप्पीनेस इंडेक्स की भी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की परिधि को आप देखें और ये देखें कि उसमें कौन कौन से विषय जो हैं वो रखे गए हैं और जिनको सम्मिलित किया है, जिनके आधार पर वो करते हैं, वो साइकोलॉजिकल वेलबींग है, हेल्थ है, टाइम बैलेंस है, कम्युनिटी के साथ क्या संबंध है, सोशल सपोर्ट है, ये इन्वायरमेंट है, गवर्नेंस है, ये सारे विषय है, वर्क किस प्रकार का है, कार्य के क्षेत्र में, नौकरी आदि के क्षेत्र में, इस तरह से उन्होंने 10 क्षेत्र लिए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कुछ विषय उन्होंने रखे हैं। ये सारे विषय जो हैं वो आज के समाज और उसकी जो भौतिक स्थिति है और उसका जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसको ध्यान में रख कर के चुने गए हैं, और बड़े विस्तार से इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे विद्वानों ने इनका परीक्षण किया है और
उसका मापन कैसे किया जाए और किस तरह से उसको स्टैंडर्डाइज किया, ये सारा काम उन लोगों ने किया है। यह एक दृष्टि है जो कि सद्य हमारे चिंतन का एक मूल उत्स है और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, और जो उचित मापन उसका है वह क्या हो सकता है। हमारे मित्र ने बड़ा सुंदर शब्द लिया है, वो है श्रेयस। और श्रेय और प्रेय ये दो शब्द जो हैं वो हमारे उपनिषद में आते हैं, और यह भी बड़ा प्रसिद्ध है, न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्य, कि मनुष्य जो है मात्र वित्त से तर्पणीय नहीं, उसी से संतुष्ट नहीं होता है। नचकेता का आख्यान हम सब लोग जानते हैं, पर उससे जब उस यह प्रश्न उठाया कि भाई जो भौतिक सुख समृद्धि है वह तो क्षणभंगुर है, वह समाप्त होने वाली है, हमको यह नहीं चाहिए, और यम के साथ जो उनका संवाद होता है उस संवाद में वह उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं जो कि उस बोध को प्रदान करे जो आनंद के विषय में है, जो उस ज्ञान को उपलब्ध कराता है जो हर तरह के कष्ट से परे ले जाता है, जो ट्रांसेंडेंटल है, जो सबके पार ले जाने वाला है। जो आधुनिक शब्दावली है हैप्पीनेस की, जो उसकी परिधि है, जो उसका हो रहा वो कहते हैं वो हेडोनिस्टिक कि सुख प्राप्ति और दुख का निवारण, और दूसरा है ईयूडायनेमिक, और उसका तात्पर्य है जो वर्चुअस है, जो कि उत्तम है और जो कि अच्छे गुणों के अर्जन से प्राप्त होती है। इस तरह की चर्चा है। एक और शब्द चला है जिसको ऑथेंटिक, प्रामाणिक प्रसन्नता या हैप्पीनेस क्या है, इसी चर्चा उसमें आती है, और वहां पर यह उल्लेख किया जाता है कि वस्तुतः एक जीवन है जो कि प्लीजेंट लाइफ है, जो जो अच्छा लगे आप अब आपको प्राप्त हो, और दूसरा कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ, जहां जीवन में अर्थवत्ता हो, और तीसरा कहते हैं कि इंगेज्ड लाइफ हो, जहाँ पर सक्रियता हो, और ये सब मिला जुला करके वो कहते हैं कि ये फुल लाइफ का अर्थ है। तो सक्रिय जीवन हो, सार्थक जीवन हो, और हर तरह का सुख प्राप्त हो, ये परिधि हो जाती है जो हमारे आधुनिक चिंतन में हैप्पीनेस के अध्ययन से जुड़ी हुई है, और इसका बहुत सारा विश्लेषण किया जा रहा है। एक और शब्द है जो कि वह उपयोग में ले आते हैं, वो है सब्जेक्टिव वेल बीइंग, SWB। और सब्जेक्टिव वेल बीइंग जो शब्द है वह तीन चीजों को बताता है, बड़ा सुंदर है ये। एक है कि आप अपने जीवन को कितना सुखमय देखते हैं, उसका कैसा मूल्यांकन करते हैं, अर्थात जीवन संतुष्टि का मूल्यांकन। आपसे पूछा जाए कि आपको जिंदगी कैसी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है या बहुत खराब लग रही है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब्जेक्टिव वेल बीइंग है। और दूसरा जो अंग है उसका वो ये है कि आप में सकारात्मक भाव मौजूद हो, अंग्रेजी में उसको कहते हैं पॉजिटिव अफेक्ट, सकारात्मक भावनाओं का अनुभव, जैसे कि आप लोगों के साथ प्रेम करें, अहिंसा का भाव हो, परोपकार का भाव हो, तो ये सारा आपका दूसरा पक्ष होता है जो कि
पॉजिटिव अफेक्ट है, और तीसरा हिस्सा जो है वो है कि लो निगेटिव अफेक्ट, अर्थात द्रोह का भाव, क्रोध का भाव, हिंसा का भाव या कम हो। तो निगेटिव अफेक्ट कम हो, पॉजिटिव अफेक्ट ज्यादा हो और जीवन में संतुष्टि हो, ये तीन अवयव जो है वो सब्जेक्टिव वेलबींग की जो शास्त्रीय व्याख्या है उसके अंतर्गत पाश्चात्य चिंतन में की जाती है। ये पृष्ठभूमि जो है वह हैप्पीनेस के अध्ययन की अत्यंत संक्षिप्त है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब यह भी बहुत सारा शोध हो रहा है कि हैप्पीनेस यदि है तो क्या होता है, और बड़े रोचक परिणाम है, बहुत सारे अध्ययन है, और मैं समझता हूँ आजकल का एक बहुत ही सक्रिय शोध का क्षेत्र यह हो चुका है। अब आइए जो भारतीय चिंतन है जिसकी कुछ झलकियां भाई आशुतोष जी ने हमारे सामने रखी हैं कि भारतीय जो चिंतन है वह क्या हमको उपलब्ध कराता है, और भारतीय चिंतन इतना व्यापक है जिसकी अगर उसको एकत्र किया जाए तो शायद आसानी से वह कार्य संभव नहीं होगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ आशुतोष जी को, उन्होंने डुबकी लगा करके बहुत सारे रत्न जो हैं निकाल कर हमारे सामने संक्षेप में आज प्रस्तुत किए, और इतना जल्दी जल्दी उन्होंने प्रस्तुत किया कि वह बहुत लोगों के सर के ऊपर से निकल गया, इसलिए उन्होंने कहा कि हमको सब थोड़ा सा समझने के लिए समय चाहिए। मैं तो यह कहूँगा आशुतोष जी से कि ये जो मूल सामग्री है इसकी एक सूची बना करके कि ये ग्रंथ हैं जहाँ पर इस तरह के संदर्भ दिखाई दे रहे हैं वह उपलब्ध अगर हो जाए, क्योंकि आपने इतना श्रम करके ये सब एकत्र किया है तो ये सबको मार्गदर्शन के लिए उपयोगी होगा। मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर यह करना चाहूँगा कि भारतीय चिंतन में जो दृष्टि है वह किस प्रकार की है। जितने विस्तार में आशुतोष जी ने किया है वह कर पाना मेरे बस में नहीं है, तत्काल मैं वह सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं वह मैं साझा करना चाहूँगा, और देखें आप कि कहीं उसका कोई जोड़ तोड़ बैठता है या नहीं, और उसकी उपयोगिता है या नहीं। और मैं यह कहूंगा आशुतोष जिससे कि थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग चलें, जैसे जो संप्रत्यात्मक या थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल वर्क है वह हमको पहले करना पड़ेगा, और उस पर विचार करके तब हम निश्चय करें कि कौन जो है वह अगले कदम के लिए मापन के लिए हम उसको उपयोग में ले आएंगे। क्योंकि भिन्न भिन्न जो सूत्र हैं और जो संकेत हैं उन सबको अगर हम एकत्र करते हैं तो उनमें तरह तरह की बातें हैं, और क्षमा करेंगे कई चीजें जो है वो गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। हम हैप्पीनेस को क्या कहेंगे, हैप्पीनेस शब्द तो अंग्रेजी का है, अपने यहां एक शब्द है आनंद और दूसरा शब्द जो है वह है सुख, और तीसरा शब्द जो है वह शांति भी है, और चौथा शब्द यदि लिया जाए तो वो प्रसन्नता भी है। हिंदी में और संस्कृत वाङ्मय में तमाम सारे इस प्रकार के चित्त की प्रसन्नता की बात की जाती है। अगर सुश्रुत का जो प्रसिद्ध विचार है तो वो तो यही कहते हैं कि मन और शरीर और आत्मा ये सब यदि प्रसन्न हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं।
और स्वस्थ का एक सरल अर्थ तो यही होता है कि आप अपने आप में स्थित है, नहीं तो आप परस्त है। और वही उद्देश्य जो है मुझे दिखाई पड़ता है जब हम योग सूत्र पढ़ते हैं कि चित्तवृत्ति का निरोध जब करते हैं तो अपने आप में आप स्थित हो जाते हैं, दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो आपका स्वरूप जो बाह्य जगत है उसके साथ संपर्क से जो दिखता है वह नहीं है, उससे भिन्न है, यह बात अनेक ढंग से जगह जगह कही गई है। एक और महत्वपूर्ण विचार है जो कि कहीं न कहीं वेदांत में ज्यादातर उसका संदर्भ लिया जाता है और अब तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुका है, सत चित आनंद, कि आपका जो अस्तित्व है उसका अंश ही है आनंद। तो ब्लिस या आनंद जो है वह आपके स्वरूप का अंश है, आपको आनंद बाहर से लेना नहीं है या पहचानना है, जो कि आप भूले हुए हैं, आप विस्मृत किए हुए हैं। और यही बात गीता में भी कही जाती है, जब स्थित प्रज्ञ की बात आती है तो वहाँ भी यही कहा जाता है कि वह जो है हर्ष से और विषाद से अप्रभावित रहता है, वीतराग भय क्रोध रहता है। तो वह व्यक्ति जो वीतराग भय क्रोध है उसका जो स्वरूप है उसे आप क्या कहेंगे, जो स्थित धी है उसे आप क्या कहेंगे, उसे प्रसन्न कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और गीता में यह भी उल्लेख आता है कि जो मन है, जो चित्त है, वह किस प्रकार से बड़े दुर्निवार ढंग से भागता रहता है वस्तुओं की ओर, जिस वस्तु की ओर आपका मन गया उसी का हो जाता है, चाहे वह कोई सुंदरी हो या अच्छा व्यंजन भोजन का हो, पकवान हो, मिष्ठान हो, जो अच्छी चीज दिखेगी वह आप कहेंगे कि हमारा मन उसी तरह का हो जाता है, वैसे ही हम अनुभव करने लगते हैं। तो एक ओर कहा गया कि अभ्यास होना चाहिए और दूसरी ओर कहा गया कि विराग होना चाहिए, तभी जा करके मन जो है वो स्थिर होगा। और मन की जो स्थिरता है अगर नहीं है तो अशांति होगी, और अशांतस्य कुतो सुखम, अशांत को सुख नहीं प्राप्त होगा, और जब सुख प्राप्त होगा तो वह अपने आप में आत्मन्येवात्मना तुष्टः, आप अपने आप में ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो एक तो प्रसन्नता की यह व्याख्या है जो आपके चित्त की मानसिक दशा की एक अवस्था है और जो आपके आत्मनियंत्रण सेल्फ रेगुलेशन से उपलब्ध होती है। आप इसका एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका अपने मन के ऊपर कितना नियंत्रण है, कितना रेगुलेशन आप कर पाते हैं। छोटा शब्द है लेकिन बड़ा भारी अर्थ है, जितेंद्रिय जिसे आप कहते हैं। तो गीता में यह भी कहा कि भैया कि जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया वह सबसे बड़ा जो आत्मजयी है, और जो अपने स्व से स्वयं हार गया वो कष्ट में रहता है। तो ये यह एक बड़ा भारी एक उसको स्पिरिचुअल डायमेंशन कह लीजिए, स्पिरिचुअल वेलबीइंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है, से आध्यात्मिक कह ले, आत्मिक कह ले, लेकिन यह प्रायः उस पूरे पश्चिम के चिंतन में वह उपस्थित नहीं है उस रूप में जिस तरह से यहाँ पर उपस्थित है। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि यह जो स्थिति है वह जब आप विकसित होते हैं, चेतना के क्रम में ऊपर उठते हैं, तो स्वतंत्र हो जाती है भौतिक परिस्थिति से, आप की निर्भरता उस पर नहीं होती है। आध्यात्मिक सुख जो है वह भौतिक वस्तु पर निर्भर करता है, अच्छे भोजन से निर्भर करता है नहीं, ये तो विचार करने की बात है। तो एक ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो आध्यात्मिक सुख है, और
वैसे चर्चा की जाती है, हम लोग गोस्वामी जी को पढ़ते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो ये तीन तरह के सोर्सेज हैं सफरिंग के, पीड़ा के, दुख के, भौतिक भी है जो कि आप अपने वास्तविक भौतिक जीवन में अनुभव करते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक, ये दैविक भी है, दैहिक भी है और भौतिक भी है। तो और ये इन तापों को, सफरिंग को, क्या अगर आप क्लेश का विचार करते हैं, सफरिंग का जो योग का दृष्टिकोण अगर आप लेते हैं, तो वहां भी आपको अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष ये सब आता है। तो ये सब जो है वो सफरिंग के काज हैं, और इन सबसे, सब में सबसे बड़ा जो है वो अविद्या है। और अविद्या को भी खोल करके देखिए तो जैसे उसमें है कि भाई नित्य और अनित्य का बोध नहीं होता है, ये अंतर हम नहीं कर पाते हैं और अनित्य को नित्य मान के चलते रहते हैं। और योग को आप देखेंगे तो उसमें क्रिया योग की बात आती है कि ईश्वर प्रणिधान भी है, संतोष भी है और अध्यवसाय भी है, अध्ययन भी है, स्वाध्याय भी है। हमारे कहने का आशय यह है कि सुख की अवधारणा का एक तो भौतिक पक्ष है कि कितनी संतुष्टि आपको प्राप्त होती है भौतिक जगत में, और दूसरा पक्ष है कि आध्यात्मिक स्तर पर आपका उन्नयन कितना है और किस स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं। यह जो मनुष्य का जीवन है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ा अच्छा लिखा है, मुझे स्मरण आ रहा है कि हमारा जीवन आत्मा की अभिव्यक्ति होना चाहिए, परमात्मा की अभिव्यक्ति होना चाहिए। यह श्री अरविंदो भी इसकी बात करते हैं कि चेतना का डिसेंट हो, ऊपर से नीचे आवे, और एसेंट हो, आप नीचे से ऊपर बढ़े। और वह तो उद्विकास की बात, इवोल्यूशन की बात कहते हैं कि भाई शरीर का जो विकास हुआ अब वो तो सुपर माइंड की बात करते हैं, अधिमानस की बात करते हैं कि मानसिक विकास भी होना आवश्यक है। अर्थात सुख का, आनंद का जो अनुभव है उसकी प्रतीति कैसे हो। मैं यहाँ पर यह बात भी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये सारी चर्चा, जैसे कि जिन श्रोतों का उल्लेख आदरणीय आशुतोष जी ने किया है, आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें धीरे धीरे विकास हुआ है। आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है, योग का जो दृष्टिकोण है, वेदांत का जो दृष्टिकोण है और धर्मशास्त्र का जो दृष्टिकोण है, वो अलग अलग ढंग से, उसमें निकटता भी है और थोड़ी बहुत भिन्नता भी है। जो एक केंद्रीय विषय आता है वो आता है धर्म, और वह धर्म जो है जीवन का सूत्र है, और उसकी व्याख्या जैसा कि मनुस्मृति में हम लोग पढ़ते हैं धृत क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिय, वो पूरा दश जो धर्म के लक्षण हैं वह कहीं न कहीं हमारे आचरण से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे रूप में हमको संक्षेप में समझा दिएगा कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, या अगर पुरुषार्थ हैं अर्थात जीवन के सूत्र हैं, तो इसमें अर्थ और काम, अब इसकी व्याख्या जिस भी ढंग से किया जाए और उसमें क्या क्या हम रखते हैं और क्या नहीं रखते हैं ये विचारनी है। लेकिन जो विचार आता है कि भाई धर्म जो है अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों को अपने में समेटता है, तो अभ्युदय जो है वह हमारे सामान्य सामाजिक भौतिक जीवन के अभ्युदय को व्यक्त करता है, और जो निःश्रेयस है वह हमारे आत्मिक आध्यात्मिक विकास की बात हमारे सामने रखता है। तो हमारे विचार में या भारतीय विचार में, मेरी अल्प बुद्धि में जो प्रतीत होता है वह यह है
कि मनुष्य का जो अस्तित्व है यह साधन धाम है, यह मोक्ष या मुक्ति का उपाय होना चाहिए, इसका उपयोग कैसे किया जाए और जीवन में जो हमारा लक्ष्य है वह किस प्रकार का हो। सबसे जबरदस्त जो स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति है वह कैसा होगा, वह मुक्त होगा। और योग वाशिष्ठ से उधार लें तो कहें जीवन मुक्त होगा, जीवन से मुक्त नहीं होगा, जीवन में मुक्त होकर के रहेगा। और मुक्त होने का अर्थ है भिन्न भिन्न प्रकार के क्लेशों से मुक्त होना, बंधनों से मुक्त होना। विनोबा भावे जी ने कहा है कि मोह से मुक्त होना मोक्ष है, मोह से मुक्त होना मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ कुछ यह नहीं है कि मरने के बाद आप स्वर्ग में पहुंचेंगे मोक्ष आपको मिलेगा, ये तो जीवन में ही मोक्ष है। जिस सीमा तक आप अपने मोह से मुक्त होते जा रहे हैं उतना मोक्ष आपको मिलता चला जा रहा है। मैं समझता हूं कि मनुष्य जीवन को इस पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता है। जो हमारे वैचारिक उत्स हैं, जो स्रोत हैं, वो सब कहीं न कहीं मनुष्य जीवन की उपादेयता को इस विस्तृत फलक पर रख करके रखते हैं कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, और धर्म जो है वह केंद्रीय है, धर्म को ध्यान में रख करके ही विद्या और अर्थ की चिंता करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब धर्म को विचार में रख करके यदि आचरण किया जाता है, उसके अनुकूल आचरण किया जाता है, विद्या का सेवन भी उसी के अंतर्गत होना चाहिए और अर्थ की प्राप्ति भी धर्म के परिधि में ही होनी चाहिए। तो यह स्वतंत्रता तो है कि आप ज्ञान प्राप्त करें, आप धन अर्जित करें, लेकिन यह सीमा बनी हुई है कि आप धर्म की परिधि में उसका सेवन करें और उसको पाने का प्रयास करें। तो प्रसाद या प्रसन्नता या हैप्पीनेस की जो अनुभूति है, यह विचार करने की बात है हमारे लिए कि भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो और हमारी इच्छाएं अगर पूरी हों और उन इच्छाओं की पूर्ति, उन इच्छाओं के समाप्ति की घोषणा नहीं होती है, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति के बाद पुनः इच्छाएं पैदा होती हैं निरंतर। भोजन आप करते हैं, भूख आपको लगती है, और आप पुनः थोड़ी देर बाद भोजन करते हैं, फिर भूख आपको लगती है, तो ये रिकरिंग है। वैसे भी गीता का बड़ा सुंदर वह विचार है कि भाई इच्छाओं को पूरा करते रहने से वह पूरी नहीं होती, वो तो आग में घी डालने जैसा हो जाता है। तो हमारे लिए यह विचारणीय प्रश्न है कि इच्छाओं की सूची बना करके और हम सोचें कि इसमें टिक लगा दिया जाए कितनी इच्छाएं पूरी हो गई तो आपकी हैप्पीनेस इतनी है, ये कहीं हैप्पीनेस को ठीक से परिभाषित करने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी सूची तो बढ़ती चली जाएगी। आपके पास इस रंग का कपड़ा है तो आपको दूसरे रंग का चाहिए, तीसरे रंग का चाहिए, चलते रहिए उसी में। ये विचार का प्रश्न है कि हैप्पीनेस का केंद्र आप में रहे कि बाहर की दुनिया में रहे। ये जो शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं भैया उपाधि आती है और उपाधि जाती है, और आप तो वैसे ही रहते हो, ऐसा तो अटैचमेंट है, जो अटैच हुआ डिटैच हो जाएगा। वह मेरा ख्याल है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वह
क्या भौतिक जीवन को महत्व नहीं देता है? यह गंभीर प्रश्न हमारे सामने है। और उसका भौतिक जीवन होता है कि नहीं होता है? अरे भाई, उसको भी शरीर चलाने के लिए योग वाशिष्ठ में जीवन मुक्त की जो विशेषता लिखी है वो यही बताती है कि वह शरीर को जो कुछ आवश्यक देता है, लेकिन वह मुक्त विचरण करता है। तो प्रश्न यह है कि भौतिक जो हमारा संसार है, उस संसार में कितने निमग्न हो कितने निमग्न न हो, हमारा सुख इस पर निर्भर करता। भौतिक सुख, और आप उपनिषद पढ़िए तो उसमें बहुत सारे शब्द हैं कि मनुष्य का वो आनंद है वह कितना है, और ब्रह्मानंद कितना है, आदि आदि काफी सुंदर वर्णन उसमें प्राप्त होता है। हम चाहते हैं कि मनुष्य का जो स्वरूप है वह हमारे इस चिंतन का आधार होना चाहिए, और मनुष्य का स्वरूप केवल भौतिक शारीरिक स्वरूप नहीं है। मनुष्य जो है वह सामाजिक भी है, मनुष्य है वह मानसिक भी है, और मनुष्य जो है आध्यात्मिक भी है। पर आनंदमय कोष और नीचे अन्नमय कोष और बीच में सर आवाज कट रही है, अन्नमय कोष है, प्राणमय कोष है, तो उसके अलग अलग स्वरूप हैं। और शायद एक अंश यह भी होगा कि सत्ता है वह हमारी इसके पहचान कि हम अपनी आइडेंटिटी कहाँ स्थापित करते हैं, किस स्तर पर स्थापित करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करती है। तो हैप्पीनेस को, सुख को, और जो श्रेय शब्द है वो तो अद्भुत आकर्षक शब्द है और उसका विकल्प ये नहीं आता है। तो श्रेय तो वह है जो प्रिय भी है, अच्छा भी है और अच्छा करने वाला है। और प्रिय जो है, और ये शब्द जो है वो जब नचिकेता और यम का संवाद होता है तो वहां पर श्रेय और प्रिय दोनों आते हैं, और जो बुद्धिमान है वह श्रेय को ग्रहण करता है और वह उन्नति की ओर ले जाता है। हमारी बहुत सारी समस्याएं इस भ्रम के कारण है कि केवल भौतिक आवश्यक ताओं की पूर्ति करते रहें तो हम आएगी, परंतु ऐसा संभव नहीं है, यह प्रमाण भी नहीं होता है, अनुभव में भी नहीं आता है। कहीं न कहीं एक सैद्धांतिक रूप से एक चर्चा हमको करनी चाहिए, और आदरणीय भाई आशुतोष जी से मेरा ये अनुरोध है कि एक एक छोटा सा पेपर इस पर तैयार हो कि हमारा विचार क्या है, जिसको हम
मानते हैं श्रेय के रूप में, और इन शब्दों का अंतर भी हमको बताना चाहिए कि आनंद जो है क्या है, प्रसन्नता क्या है, और हम क्या मापन करना चाहते हैं, यह देखना जो है हमारे लिए आवश्यक होगा। मैं अपनी बात अभी यहीं रोकूंगा और जो विचार आएंगे उनको मैं सुनूंगा। ये एक संक्षिप्त उल्लेख था जो मैं सोच रहा था कि आपसे करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने कई नए इसमें पक्ष भी जोड़ दिए हैं। अभ्युदय से निश्रेष्ठ, अभ्युदय का पक्ष छूट गया था, लेकिन निश्चित रूप से अभ्युदय को हमें ऐड अप करना पड़ेगा। और ये तो निश्चित ही है कि सुख और श्रेयस दोनों में अंतर है। इसको मैं पेपर लिखने का प्रयास करूंगा जल्दी ही, और इसको हम लेंगे टेकअप। तो यदि किसी और का कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, और तो बाकी फिर चीजें जो हैं हम निश्चित करेंगे। व्हाट्सएप पर हम सभी संपर्क में हैं। ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ एक सोर्स के रूप में शेयर करता हूं अभी थोड़ी देर में। और जी, तो जो जो आप लोगों के सुझाव हो और जो भी आप विषय टेकअप करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, कोई उस पर रोक टोक नहीं है, वो आप लीजिए और फिर हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित ही डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि एक हम चाहे वेबिनार या सेमिनार जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स को डिफाइन दोबारा से करते हुए भारतीय संदर्भों में उसको हम टेकअप करते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय नहीं, ये जो है वह मनुष्य के लिए है या जीवन के लिए है। ये जो हमारी दृष्टि है वह सबके लिए उपयोगी होगी, राइट, विकल्प के रूप में, क्योंकि वो हैप्पीनेस इंडेक्स है तो पूरे देश, पूरे विश्व को नाप रहे हैं। हम तो एक समृद्ध करेंगे वैचारिक दृष्टि से। जी बिल्कुल, तो चलिए इसको टेकअप करता हूँ दोबारा से। और यदि किसी का कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, वो आप मुझे बता सकते हैं। और किसी तरह की कोई इंक्वायरी हो, कभी भी हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं संपर्क, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेटर आपको हम एक दो दिन में निकाल देंगे, लेकिन आप मुझे सूचित कर दीजिए कि आप किस डोमेन पे काम करना चाहेंगे इनिशियली, और फिर उसको हम अग्रसर करेंगे। ठीक है डॉक्टर विशाल जी, मैडम रेणुका। हाँ जी सर, बिल्कुल द फॉर्म। हाँ जी ठीक है मैडम संतोष, आप हमें थैंक यू राइट, दैट्स वंडरफुल। तो ठीक है मैडम विनय, हम जी सर, जी सर, हाँ आपका कुछ सर, हम संपर्क, नहीं सर मैं संपर्क में रहूंगी आपके, और मैं चाहूंगी कि मैं एक से अधिक डोमेन में काम करूं, क्योंकि बड़ी जिज्ञासा हो गई है सबको सुन करके कि बहुत सारे काम करें हम। जी सर, आपके डायरेक्शन में हम काम करेंगे, हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा। मैडम रूपिका जी, धन्यवाद, काम करने से काम नहीं चलेगा ये बताएंगे तो क्या करेंगे मैडम रूपिका जी सर, मैंने कल सुशासन विषय के लिए अपनी सहमति दी थी, तो समझ गया मैं। जी सर, जी ठीक है, तो हम लोग आपके साथ जो सोर्सेज हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, रेफरेंस बुक्स और मटेरियल भी, और लगातार संपर्क में रहें और कोशिश करते हैं इसको हम जल्दी से कोई प्रारूप दें, एक डॉक्यूमेंट निकाल सकें, ताकि और लोगों को भी हम फिर जोड़ सकें, क्योंकि एक क्षेत्र बड़ा व्यापक है और इसमें फिर हम डॉक्टर साहब की जो है वो गाइडेंस लेते रहेंगे समय समय पर, और उनको पूछेंगे कि इसको हम और ठोस कैसे बनाएं, व्यवहारिक कैसे बनाएं, क्योंकि थ्योराइज करना एक अलग बात हो जाता है, लेकिन उसको एप्लीकेशन में लाना एक अपने आप में चुनौती रहती है। तो उसमें हम सहयोग अवश्य लेंगे, कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए भी और उसको प्रैक्टिकल अप्लाइड बनाने में भी डॉक्टर साहब की। और मुझे लगता है कि आज हम यहीं पे इस मीटिंग को समाप्त करते हैं,
और मैं इसके साथ आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कई सारे नए आयाम जो हैं इस शोध के क्षेत्र में उन्होंने हमारे सामने रखे हैं और इस क्षेत्र को और व्यापक और सूक्ष्म बनाया है, तो उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से उनका मार्ग निर्देशन हमें भविष्य में, निकट भविष्य में मिलता रहेगा। और एक मेरे पास प्रश्न आया था कि फंडिंग को लेकर के, फंडिंग जो है वो सीड मनी के तौर पे मुझे कॉलेज की ओर से मिली हुई है 2.5 लाख के, क्योंकि मेरा आगे एक प्रोजेक्ट था जो 10 लाख का था बैरागी संप्रदाय पे, उसमें हमने एक फिल्म बनाई थी फीचर फिल्म, उसमें से कुछ पैसे बच गए थे लगभग 2-2.5 लाख, तो वो अब इधर की ओर हमने ट्रांसफर कर लिए हैं। तो वो सिर्फ इस बात के लिए है कि अगर आपने कुछ पब्लिकेशन करना है, कुछ और चीजें चाहिए, किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हम टेकअप कर लेंगे। तो ये है फंडिंग, लेकिन अभी फंडिंग और भी आ जाएगी। जी जी आशुतोष जी, मेरा एक सुझाव ये था जी कि जिन संदर्भों का आपने उल्लेख किया है जी सर, उनको लेकर के थोड़े विस्तृत विवेचन अपनी बुद्धि से और उसके और जो संबंधित सामग्री है उसको लेकर के 5-6 या 8-10 एक पुस्तक तो जो उसकी सैद्धांतिकी है उसके ऊपर आनी चाहिए। राइट सर, जी 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 मैं समझ गया, ठीक है, मैं इसको जल्दी निकाल। हाँ जी हाँ ठीक है, ये सामग्री आप बताओ, हम सब लोग सहयोग करेंगे जी सर। जो हमने कहा ना कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है साउथ एशिया में उसकी समीक्षा मैंने की, मैं आपको भेजूंगा आप देखिएगा जी जी सर, प्रकार का है। तो ये बहुत एक और लेख अभी हमने लिखा है इसी प्रसंग में जो हैप्पीनेस पर रिसर्च आजकल हो रही है उसको, भारतीय चिंतन को भी उसमें शामिल किया है हमने। तो ठीक है सर, उसको आप शेयर कीजिएगा और मैं जरूर पढ़ूंगा। तो कोशिश करता हूं मैं जितना जल्दी से ये को बुकलेट इसमें निकलाए और थोड़ा सा फिर उसमें आप लोगों को भी हम इंक्लूड करेंगे और करते हैं काम को। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और 1-2 दिन में आप लोगों से पूछ करके आप लोगों के नाम के जो लेटर्स हैं और आपके प्रिंसिपल्स को उसकी कॉपी जो है वो मैं भिजवा देता हूँ और साथ ही साथ फिर हम इसको परस्यू करते हैं। तो धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दिशा निर्देशन के लिए। मैडम संतोष, बड़ा अच्छा लगा बहुत दिनों के बाद आपके साथ संपर्क हुआ और होपफुली संस्कृत की बैकग्राउंड ना होने पर भी आप मुझे लगता है कि ये काम तो करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, ठीक है, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।